मुझे अपनी मंजिल मिल ही गई। खोजते खोजते ये देख भाई, दिस इज नेचुरल। ये ठोस चट्टान है, एकदम सॉलिड रॉक। और इस पे ये आप देख सकते हैं, ये कुछ किसी ने बनाया तो है नहीं, इट्स नॉट मैन मेड। पूरा जो घोड़े का नीचे का पैर का चपटा है, पूरा साइज देखिए, बहुत है ये देख। एक अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखो दूसरा। इसमें मिट्टी है कुछ, अभी भरा हुआ, भर जाते हैं ये पूरा यहां से होते हुए। अभी मुझे कुछ और मिलेगा, अभी एक ये देखिए तीसरा, ये इस पे भी थोड़ी मिट्टी भर चुकी है। करते ये मैं फुटस्टेप्स के फॉलो करता, एक ये होगा। मुझे भाई ने किसी ने बताया कि ये ढूंढने पड़ेंगे। ये तो मुझे मिल गया, अभी मैं देखता हूँ कि मुझे आगे कुछ आगे मिलेगा ऐसा कि नहीं। अभी मैं खोजते हुए तो जा रहा हूँ उसी के फुटप्रिंट्स पे, घोड़ा यहीं से गया होगा। यहां तो ढूंढना मुश्किल है भाई साहब, तो आगे रास्ता थोड़ा डेंजर है, स्लिपरी भी है, और मेरे शू भी स्पोर्ट्स है, हाइकिंग में बस पहनना ही भूल गया। खैर लेके तो आया था, इसका ग्रिप इतना चट्टानों पे मजबूत नहीं है। तो अभी के लिए मैं ये बंद करता हूँ, ठीक ठाक पहुँच जाऊँ, देन कुछ नए ब्लॉग बनाता हूँ। तो अभी मेरी ट्रैकिंग पे रास्ते पे चलते वापसी का टाइम था, मुझे मिल तो गए हैं वो फुटप्रिंट्स ऑफ कोर्स। बाकी मेरे चलते चलते पीछे मैंने कुछ साउंड सुना तो देखा भाई जी आ रहे थे, क्या नाम बताया आपने? शरद चंद्र सोनवाल। तो आपने इनका इंट्रोडक्शन सुन लिया, बाकी आगे की कहानी ये क्यों, ये मैंने इनसे पूछा कि वास्तविक ये जो निशान है घोड़े के उसी के हैं, तो इन्होंने बताया, आगे ये बताएंगे। धन्यवाद, बहुत यहाँ के लोग बहुत प्यार देते हैं, बहुत प्यार देते हैं, धन्यवाद। ये अभी फ्रेश बगीचे तोड़ के देखिए, फ्रेश हमें कहाँ सैनिटाइज किए हुए मिलते हैं, हमारे तो शहर में दवाइयाँ छिड़के हुए मिलते हैं, क्या रंग बना है। तो ये अच्छा बताओ कि क्या कहानी है जो ये जो घोड़े के निशान है और साथ साथ में बैल के भी निशान है, बैल के भी गायों के, अच्छा जी बैल के भी है। हाँ। तो इसमें सबसे पहले द्वापुर में जब ये हुआ था, पांडवों का ये चला था कुरुक्षेत्र वाला, कुरुक्षेत्र जो चढ़ा था। हाँ हाँ जी। तो उस समय पांडवों के कोई आरोप लग गया, मतलब उनपे ब्रह्म हत्या के टाइप के ऐसा कुछ लग गया उनपे आरोप, 500 पांडवों के, और साथ में द्रौपदी जी भी थी। ठीक है, अच्छा अब उनको वनवास कर दिया जाओ। अब वो घूमते 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 किसी ऋषि के पास चले गए, पहुंच गए जंगलों में। तो ऋषि को कहा, उन्होंने ऋषि ने पूछा, भाई आप कौन है? महाराज हम ऐसे ऐसे हैं, और ऐसे हमारी पिता है, ऐसे हमारी पति है, कि हाँ तो आप ऐसा है कि कैलाश में जाओ, हिमालय कैलाश में जाओ, और वहाँ शंकर जी को पकड़ो और शंकर जी का स्पर्श करो। अच्छा, तो शंकर जी को स्पर्श करते हुए तुम्हारा पाप मुक्त हो जाएगा जी। अब वो चले, कभी आदिकाल की बात है, कब की बात है ये। हाँ। तो वो इस रास्ते निकले यहाँ से, पहले हमारी जो गंगा जी की डोली है ना अभी वर्तमान में। हाँ। वो भी इसी रास्ते जाती थी पहले, गंगोत्री को यही रास्ता था पैदल का, गंगोत्री यहाँ से पैदल था, अब भी पैदल है 9 किलोमीटर,
अच्छा 9 किलोमीटर है यहाँ से आगे 9 किलोमीटर है जहाँ ये रोड मिलती है। हाँ, हाँ, हाँ। तो गंगा जी भी इसी रास्ते जाते थे। अच्छा तो उस समय पांडव लोग यहाँ से निकल रहे थे, यहाँ पर आकर के द्रौपदी जी जो है हैरान हो गए पानी के बिना कैसे हो गए। उसने कहा हे अर्जुन पानी पिला दो। अर्जुन ने कहा भाई पानी कहाँ से पिला, यहाँ तो कुछ आए नहीं है। तो अर्जुन ने भीम को कहा, इसको भीमधारा कहते हैं। अच्छा जी, इसका नाम है भीमधारा। भीमधारा पता नहीं कहाँ से आगे से कहाँ से निकल रहा है पानी, कोई कहीं दूर से नहीं, इसी के ऊपर ये निकल रहा है, ये दिख रहा है और भी उसके बाद ये नीचे आ रहा है। हाँ ठीक है, तो भीमधारा है। तो भीम जी ने जो है वहीं से तीर फेंका और तीर इसके ऊपर इस पहाड़ पे तीर मारा के अपना गदी गदा नहीं 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 तीर मारी तीर मारी। हाँ ठीक है, तीर मारी उसने। अच्छा तीर मारी और तीर के ऊपर जो पहाड़ पे छेद हो गया। तो ये पानी जो निकलता है ऐसे पहाड़ पे एक शिला है, बहुत बड़ी पहाड़ी है हुई, तो उसमें ऐसी दरार पड़ गई। अच्छा तो उसमें सबसे पहले क्या निकला, दूध। देख रहे हैं आप दूध कलर, बिल्कुल देख रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो दूध निकला मेरे बिल्कुल पीछे, अगर आप देख पाओ तो ये, हाँ ये ऊपर की तरफ, हाँ ये जो पानी आ रहा है यहाँ से, यहाँ हमारा बिल्कुल मिल्की कलर का निकल रहा है। हाँ तो दूध आया, दूध पिया पार्वती जी ने जी। प्यास कहाँ, दूध से प्यास बुझती है, बिल्कुल नहीं नहीं बुझती है। तो फिर उसने कहा कि नहीं यार सब कुछ नहीं हुआ। फिर एक और तीर मारा भीम ने, एक और तीर मारा तो उसमें गौमूत्र निकल गया गौ का। अच्छा गौ शुद्ध चीज है ना। हाँ। वो पिया, उससे भी कोई प्यास नहीं फटी, भाई ये तो कुछ नहीं हुआ। फिर उसने कहा हे अर्जुन मेरी प्यास तो नहीं बुझती है, मैं हार गई, मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकती हूँ, मैं यहीं का अपने प्राण छोड़ती हूँ और तुम जाओ। उसने कहा नहीं ऐसा कैसे होगा। फिर अर्जुन ने एक अपनी तीर मारी, तीर मारी तब जाके पानी निकला, ये जल निकला। अर्जुन ने अर्जुन ने तीर मारा आखिरी में जो अर्जुन ने निकला तब पानी, क्योंकि ऐसा ना ये ग्रंथ है ये। अगर दीवार पे अगर बड़ा पत्थर ऊपर टिकाना तो नीचे छोटे पत्थर लगाने पड़े, बिल्कुल तब वो टिकेगा ना ऊपर, है ना, वही हिसाब इन ग्रंथों का भी है। तो उसने पानी पिया। हाँ। फिर यहाँ से चलते गए गंगोत्री, आप जाएंगे गए गंगोत्री से इधर एक नाला है। अच्छा और सामने पटांग ने देख भूमि है जहाँ पावर हाउस देखा हुआ आपने पाली सब NBTC का। हाँ तो उस जगह पे इन्होंने क्या क्या कि यज्ञ किया, पटांगन में यज्ञ किया और यज्ञ में जो है उन्होंने पकौड़े बनाए, आज भी वहाँ पर निशान है वो पकौड़ों, आज की डेट में भी। आज तो ऐसा ना यात्री लोग भी आते हैं ऊपर ऊपर देखते चल देते हैं। हाँ, हाँ। ओरिजिनल उसमें नहीं जाते, नहीं जाते कि यहाँ क्या है, यहाँ पर ये क्या, बिल्कुल है कि नहीं। तो वहाँ अभी भी निशान है। उसके बाद वो चल दिए कैलाश को, चल दिए चलते 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 केदारनाथ गए, पांडव ठीक है, शंकर ने हाँ, हाँ। यहाँ से गए तपोवन कैलाश तपोवन में, वहाँ से शिवजी ने देखा ये तो मेरे पास आ रहे हैं, ये तो हथियारे हैं। शिवजी वहाँ से चल दिए, पहले ही उनके जाते जाते शिवजी पहले निकल गए। अब जब शंकर जी जब वहाँ से चल दिए तो केदारनाथ पहुँच गए, और ये पांडव भी पीछे 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 केदारनाथ चले गए। अब केदारनाथ में जब गए तो वहाँ सारे में भैंस है, भैंस अब दिख रहे हैं, बैल भैंस भैंस भैंसा ठीक है, बड़े बड़े भैंसा जो होते हैं ना, हाँ जी, हाँ वो दिख रहे हैं। अब पांडवों ने कहा भाई अब इनमें हम कैसे पहचाने कि शंकर कौन है। शंकर है तो माया रूपी है, उसने अपने भैंस बना दिया और ये सारे भैंस बना दिए, अब हम कैसे पहचाने कि भैंस कौन है। भीम ने कहा ठीक है तुम इनको सबको इकट्ठा करो। उसने दो टांग ऐसे करके रखी, उसने कहा जो तो भैंस होगी वो तो सीधी निकल जाएगी। अच्छा और जो शिवजी होगा वो नहीं जाएगा टांग के नीचे। अच्छा बाकी बैल निकल टांग के नीचे निकल जाएगी, वो सारी निकल जाएगी, उनको क्या पता है कि टांगे कितनी बड़ी है कितनी लंबी है कितनी चौड़ी है, वो तो निकलती जाएगी। पर शंकर भगवान है, वो तो अंतर्यामी है, त्रिलोकीनाथ है, बिल्कुल है ना, वो नहीं जाएगा। अब ऐसे भैंस उनको खदेड़ते 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 सारे भैंसे निकल गए, एक भैंस रह गई। अब उसको पकड़ने की चेष्टा की, लोग पांडवों ने पकड़ने की चेष्टा की, तो उसने क्या किया कि सिर जैसे ये टांग है काफी दूर से जो है सिर जमीन में घुसा दिया। अच्छा बैल ने भैंस ने भैंस ने भैंसा ने भैंस ने सिर दबा दिया जमीन में, और वो कहाँ निकला सिर, पशुपतिनाथ नेपाल में। अच्छा हाँ जी पशुपतिनाथ वहाँ सिर ही सिर है, आप जाइएगा कभी देखेंगे, सुना नहीं गया नहीं सुना, हाँ, बहुत महत्व है वहाँ की। हाँ
ये सिर जो है वो वहाँ सिर्फ सिर ही सिर है, सिर ही सिर है, उसके दर्शन है। हाँ उसके दर्शन है, वहाँ पहुँच गया बस शंकर जी। अच्छा अच्छा, जब उन्होंने कहा अरे यही है, यही है शंकर, यही है शंकर, तब उन्होंने पकड़ा वो उसको, किसको, पीछे का जो हिस्सा केदारनाथ में, आप गए हैं केदारनाथ? नहीं मैं गया नहीं। जब जाएंगे तो देख लेना। हाँ। उस पर पीछे पूर्व का हिस्सा, वो जो नंदी जी बने हुए हैं सामने। हाँ हाँ, वही वो ऐसे तो बनाए हुए ना, बनाए हुए। अंदर जिसकी पूजा होती है वो इतना ही है, बस ज्यादा नहीं है, इसके पीछे ये तो सारा निकल गया आगे। केदारनाथ जी के मंदिर के अंदर दर्शन है, वही चीज, वही उसी चीज के, वो तो उसी पे छाते रगड़ते हैं। तब पांडवों ने जो है उसको पकड़ करके छाती लगाई, तब जाके जो है उनके पाप दूर हुए। मतलब केदारनाथ में शिवलिंग नहीं है, शिवलिंग ही है वो, तो शिवलिंग ही तो शिवलिंग ही माना जाता है। मतलब वो जो एक्चुअली दर्शन है वो उस चीज के हैं, उसी के, उसे धड़के हैं उसके, उसी के हैं, उसी का महत्व है वहाँ। तो भाई जी ने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी, मतलब दिस इज द बेसिकली ट्रुथ एक्चुअल बिहाइंड दैट, हम जो चीजें देखते हैं पढ़ते हैं, तो ये एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड वैली, ये कुछ आज मेरे साथ ऐसा ही सीन हुआ है, चलते चलाते कौन क्या पता था कौन किससे मुलाकात हो जाए, और इन्होंने मुझे एकदम सरल भाषा में सब बता दिया कि पांडव आए यहाँ रुके, ये हुआ, गौमुख गए, तपोवन गए, तो वो आपके सब सामने है। तो क्या है कि ऐसी जगहों पे आके अगर ये कुछ जगह, कुछ ऐसी स्टोरीज, अनटोल्ड स्टोरीज, अनएक्सप्लोर्ड रीजन अगर तुम एक्सप्लोर करते हो ना, देन अकॉर्डिंग टू मी योर राइड, योर ट्रिप इज ऑल सक्सेसफुल। भाई मेरा तो यहाँ पूरा हो गया, इसके बाद मैं हर्षल जाऊँगा, बट मुझे अभी जो इन्होंने एक स्टोरी, जो इन्होंने ज्ञान मुझे दिया है, आपको भी शायद ये चीज़ें नहीं बताऊंगी। तो इन्होंने मुझे एप्पल दिए हैं, तो मैं मुझे मेरा कुछ फर्ज बनता है कि मैं इनको कुछ ना कुछ खाली नहीं, कुछ ना कुछ तो मैं दूंगा, बिकॉज मैं ऐसे खाली या कभी नहीं जाता। तो जस्ट वेट, क्या है कि शहरों में तो हम खर्च के ये शुद्ध चीज नहीं ले पाते हैं। मेरे पास चने हैं, चने खाओगे, गुड़ चने हैं? अच्छा 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 अच्छा, तो आप जो है पंजाब से आए हैं? मैं पंजाब से आया भाई। अच्छा, मैं पंजाब से आया। इसके बाद प्रोग्राम, इसके बाद मेरे पास आज का दिन नहीं है, बस अब मैं नीचे जाके धराली में रुका हूँ, मैं तो नहा धो के मैं सुबह का निकला हूँ 7 बजे का, करते करते यहाँ 11 बज गए मुझे, डेढ़ 12:30 नीचे जाऊँगा, फिर मैं नहा धो के हर से जाऊँ। नहीं 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 नहीं, मैं खाली नहीं, नहीं। मैं देखिए, मैं खाली, ये हमारा अपना सेब है, आपने दे दिया मैंने ले लिया, ये नहीं, नहीं, नहीं। मैं खाली नहीं जाऊंगा, कुछ तो ले ली। आप खाली कैसे जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। मैं आपसे ये नहीं। हम आपको प्रसाद दे रहे हैं, ये प्रसाद है वो, ये आपने दे दिया हमने ले लिया। मेरा मान तो रख लो, मेरा मान रख लो, कुछ तो आपका मान, अरे क्या बात कर रहे हैं, अब हो गया मान, नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप इनको ले जाइए, और भी लेना और लीजिए। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास सामान एक्चुअली मैं बाइक पे ले जाए कोई, अच्छा तो मेरे पास लगेज और ज्यादा हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप, मैं एक नीचे गांव में गया था, उन्होंने भी मुझे 3 दे दी अपने बाग में। अच्छा अच्छा। और क्या हो सकता है, ये आजकल थोड़ा सेब निकल रहा है गांव में ना, वो तो ये साफ ज्यादा मां सेब का थोड़ा सेब साइज नहीं बन पाया इस बार ना, सबके साइज देखा ऐसा ही है, रंग में थोड़ा कोई कोई लाल ज्यादा है, कोई ऐसा है, ये कलर ठीक है, इसमें मतलब कोई बीमारी नहीं है। अच्छा अच्छा। हां, और काफी लोगों को बीमारी आ रही कई लोगों को, अच्छा जी, हां वो कलर भी नहीं है, ये कलर अभी ठीक है। इसके बाद सेब तो, अब सेब का सीजन जा रहा है, अब जब पाला पड़ेगा तो उसमें कौन सा फ्रूट क्या लगता है वहाँ ना? अभी ना, अब कुछ नहीं, अब सीधे वही अप्रैल में अब सीधे फ्लावरिंग होगी। अब नीचे तरह की नाशपाती भी लगता है ना, वो भी सब अप्रैल लगी हुई है जो अभी ना, वो है वो अभी तो सब ये कि निकलने वाला है सारा ना, सब फल आ रहे हैं। मैंने राजमा भी सुना है, राजमा भी है, वो कहाँ से मिलेगा? यही घर ही मिल जाएगा आपको। हाँ,
चलिए चलिए हम भी चलें। तो अभी मैं अपने पीछे धराली की ओर जा रहा हूँ, वहाँ से एक सुबह का निकला हूँ, बहुत थोड़ा एग्जॉस्टेड हूँ, बहुत ब्रेकफास्ट करूँगा, बात लूँगा, फिर हर सिल एक्सप्लोर करते हैं। टिल देन बाय।